यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय नौ। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय नौ। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, ताकि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, ताकि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं और उनका समाज विश्वासघातियों का है, और वे अपनी अपनी जीभ को धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यह वाणी है। अपने अपने संगी से चौकस रहो और अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और सब संगी लुतराई करते करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है और छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। परंतु उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली होती है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे हुए रहते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें ढोर का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता। पशु पक्षी सब दूर हो गए हैं, और मैं यरूशलेम को डीह ही डीह करके गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे कि देश का क्यों नाश हुआ, और क्यों जंगल की नाई जल गया, और क्यों उसमें से होकर कोई नहीं चलता। फिर यहोवा ने कहा, उन्होंने तो मेरी व्यवस्था को जो मैंने उसके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न तो मेरी बात मानी और न उस व्यवस्था के अनुसार चले हैं, वरन अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे कि उनके पुरखाओं ने उनको सिखाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इसराइल का परमेश्वर यो कहता है कि सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में जिन्हें न तो वे न तो उनके पुरखा जानते थे तितर बितर करूंगा, और मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी जब तक कि उनका अंत न हो जाए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि विलाप करने वालियों को सोच विचार के बुलाओ, और बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो कि वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए, हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलके जल बहाए। सियोन से शोक का यह गीत सुन पड़ता है कि हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में गड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा, हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो कि तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों का और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह कि यहोवा की वाणी यो हुई है
कि मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यो कहता है कि न तो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझको जानता है और यह समझता है कि यहोवा वही है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। यहोवा की यही वाणी है। देखो, यहोवा की यह भी वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ है उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मुआवियों को और उन वनवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि सब अन्य जाति वाले तो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है।